हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल जियो एजुकेशन ग्रुप पे वेलकम है। मैं नीतमारी सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो मैंने इसके पहले आप सभी को आर्मी पब्लिक स्कूल का 2015 का ये क्वेश्चंस है, जो पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी तीनों के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, पार्ट ए है, जो तीनों के लिए कंपलसरी है। तो मैंने इसका पार्ट बी जो है अपलोड कर दिया था। तो ये पार्ट थर्ड होगा इसका, क्योंकि इसमें मैं टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाके एक बार वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन मैंने इसके पहले आपको पढ़ के सिर्फ सुनाया था। देखिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। आई नो कि कल आपका एग्ज़ाम है, जिनका कल हो उनको ऑल द बेस्ट, जिनका परसों है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या है, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। दूसरा है इवेल्युएशंस, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। तो इसमें लिखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो होना चाहिए वो है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना। फॉर्मुलेटिंग पहले ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, देन रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, जो आपका वर्तमान का ज्ञान है उसको जो पिछले ज्ञान से क्या करना है, जोड़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट हो जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। उसके बाद फाइव नंबर आ जाएगा कि आप मटेरियल को किस तरह प्रेजेंटेशन कर रहे हो। देन आपका आ जाएगा इवेल्युएशन, और फिर आपका सबसे अंत में होगा रीटीचिंग, यानी थर्ड नंबर रीटीचिंग अंत में हो जाएगा। उस हिसाब से देखिए आपका जो ऑप्शंस सही है वो हो जाएगा तो देखिए वो जो सही होगा ना वो हो जाएगा ये वाली, ठीक है। यानी पहले 4, 1, 5, 2 देन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस इन अप्लाई डिस्क्राइब बाय जस्ट वन वर्ड। ओके, अ पर्सन हु क्रिएट डिसऑर्डर इन अ स्टेट। एक आदमी जो जो क्रिएट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट में करता है तो उसको क्या बोलेंगे, रेवल। क्या बोलेंगे, रेवल, फिफ्थ कॉलमनिस्ट, मिलिटेंट या एनार्चिस्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा एनार्चिस्ट, अ पर्सन हु क्रिएट डिसऑर्डर इन स्टेट, में डिसऑर्डर स्टेट में डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है उसको हम एनार्चिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एनार्चिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ, क्या होगा, बोर्डम कॉज्ड बाई रिपीटेटिवनेस, कन्फ्यूज अबाउट थिंग टॉट, नो समरिंग लेक्चर पॉइंट्स, या इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, बोर्डम कॉज बाई रिपीटेटिवनेस, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेट। अगर क्लास में बच्चा जो है बात कर रहा है और इनडिसिप्लिन है, क्लास बिल्कुल शोर शराबा जोर से हो रहा है, तो उसको इंडिकेट क्या कर रहा है, बोर्डम कॉज्ड बाई रिपीटेटिवनेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी स्ट्रिंग डज अ वायलिन हैव। तो कितना होगा, 4, ठीक है, 4 स्ट्रिंग्स डज अ वायलिन हैव। नेक्स्ट, द करेक्ट पैसिव वॉइस गिवन सेंटेंस इज। तो आपको पैसिव वॉइस करेक्ट बताना है। फर्स्ट है विल एनी वन बिलीव योर स्टोरी। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, विल योर स्टोरी बी बिलीव्ड बाय एनी वन। तो इसका जो ऑप्शन होगा, विल योर स्टोरी बी बिलीव बाय एनी वन, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू। फील्ड स्टडी
स्टडी जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो फील्ड स्टडी देखिए रियल लाइफ सिचुएशन किससे संबंधित होता है? रियल लाइफ सिचुएशन से। विच एडुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल फॉर लर्न? तो इसका क्या होगा, मैरिया मॉन्टेसरी या जॉहन फ्रेडरिक हर्बर्ट या जॉन डेवी या फ्रेडरिक फ्रॉवेल? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रॉवेल, है ना, फ्रेडरिक फ्रॉवेल। विच एडुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो फ्रेडरिक फ्रॉवेल महोदय जो हैं, फ्रॉवेल ये साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक हैं, ये बिलीव करते हैं इन अ फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, सभी के पास जो है वो लर्न का पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो फ्रेडरिक फ्रॉवेल होगा, ये आपका टीचिंग से था। मोहिनी अट्टम इज़ द क्लासिकल डांस फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ, मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका हो जाएगा केरला, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिटी द इनकरेक्ट सेंटेंस, बोले इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव, रियल रेगुलरली लेस योर शुड फेल, ब्रेड एंड बटर मेक अ गुड ब्रेकफास्ट, ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज अ किंग। तो देखिए इसमें जो बोल रहा है किस, क्या बताना आपको, इनकरेक्ट जो गलत है, तो इसमें कौन सा गलत है, देखिए ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज अ किंग, ये सेंटेंस ही पता चल रहा है कि ये क्या है, इनकरेक्ट है, और द बाकी सारे सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ऑफ मोस्ट कंप्यूटर, जॉयस्टिक स्कैनर स्पीकर कीबोर्ड। तो आप जानते ही हो कि कीबोर्ड इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मोस्ट कंप्यूटर कोई भी हो, चाहे ये छोटा हो बड़ा हो या आपका हाई स्पीड का हो, लेकिन कीबोर्ड उसमें क्या होगा, रहेगा ही रहेगा, है ना। तो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ स्कीम सबला फॉर इम्पावरमेंट ऑफ एडोलिसेंस ग्रीव इन द एज ग्रुप ऑफ, कौन से एज ग्रुप के लिए है, इसमें देखिए ए बोल रहा है 10 to 14 ईयर्स, बी में है 10 to 11 to 15 ईयर्स, सी में है 15 to 18 ईयर्स और डी में है बोथ। तो देखिए बी और सी 11 to 15 ईयर्स और 15 to 18 ईयर्स, तो बोथ होगा। आप जानते हो एडोलिसेंस जो 11 टू होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मोलेकुलर मटेरियल, जिसको NCMM, इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पे, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, केरला। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मोलेकुलर मटेरियल इन केरला स्टेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ये मैथ है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, एक बुक का प्राइस बोल रहा है 100 रुपीज़ है, और डीलर सेल 3 सच बुक फॉर इतना 274.50 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट एट सर्टेन रेट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, उसको पता करना है। तो इसका आंसर 8.5% हो जाएगा, तो आप इसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, जनरल एप्टीट्यूड ये आपका जो दिया हुआ है, सेलेक्ट द सूटेबल फिगर फ्रॉम द फुल अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फिगर मटेरियल, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस फिगर में क्या हो रहा है, तो इसके बाद जो है वो कौन सा फिगर आएगा, तो जो होगा वो 2 नंबर का हो जाएगा, है ना। आप फिगर को ध्यान से देखो तो 2 नंबर का फिगर होगा, क्योंकि जस्ट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UNCTAD, तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस,
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। इंडिया कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UNCTAD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर कोर्स इन स्कूल एंड कॉलेज एम क्या है? डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब, इंक्रीजिंग GK इन स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट, ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चूज ऑफ द जॉब, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि आप बेल आइकन दबा दो, मैं इस 2015 का करवा दी, 2016 का भी सारे क्वेश्चन करवा दी हूँ, और मैं इसके बाद 2014 का भी आपको करवा दूँगी कल तक। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।